जैसे कि ये आइटम मैंने बोला कुछ अलग है, आप देख सकते हो एग है, एग के अंदर स्टफ है ऊपर से और कुछ क्रीम जैसा ग्रेवी जैसा है ताकि वो जूसी रहे, और अंदर इसके स्टफ है, तो देखते हो स्टफ का फ्लेवर क्या है। मेन चिकन कीमा, उसका फ्लेवर तंदूरी के साथ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो तंदूरी के फ्लेवर के साथ एग और स्टफ चिकन का इतना सेक्सी कॉम्बिनेशन होगा। मस्ट ट्राई। हेलो गाइज, व्हाट्स अप, दिस इज मी योर बॉय सैम, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम ऑन डिमांड। एज ऑलवेज से गुड फूड मेक्स गुड मूड, तो मैं आज मेरे इस सफ़र में कैफे सफ़र में आया हूँ, तो यहाँ का जायका हम लोग ले गए और यहाँ का जो स्पेशलिटी है, जो यहाँ का खाना है, यहाँ के डेजर्ट्स है, वो काफ़ी अलग अलग वराइटीज़ के आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वान्टिटी में मिलता है। तो अब इसका फूड का टेस्ट कैसा होगा वो आपको बता दो। और ये लोग के पास तीन तीन सेक्शन है, एक नॉन एसी, एक एसी और बाहर के साइड पर भी एसी है, और आप यहाँ पर पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अलग से स्पेशल उतना जगह है। तो हम लोग के पास अभी यहाँ पे हम लोग ने मंगाया कैफे सफ़र से दो मॉकटेल्स है, लेटर ऑन वी हैव चिकन चीज़ रोल जो कि फ्राइड आइटम रहता है, जो कि हम लोग के पास यूजुअली तवा आइटम रहता है, वो ऐसा आइटम है। एंड मेरा फेवरेट बटर गार्लिक प्रॉन्स है लेटर ऑन, ये मैंने पहली बार आइटम देखा है, इसका नाम है नवाबी चिकन, नवाबी कबाब। तो यहाँ पर कुछ अलग है और एक के अंदर वो लोग ने स्टव किया है, सो इट्स लुक इम्प्रेसिव। लेटर ऑन वी हैव मटन कबाब, सिख कबाब है मेरा फेवरेट, प्रॉन्स बिरयानी और कैफे सफ़र का स्पेशल मेन कोर्स का ग्रेवी और उसके साथ रुमाली रोटी जो कि बटर में। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बैंगा मील। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं प्रॉन्स से जो कि बटर गार्लिक है। सो और ड्राई नहीं है, अच्छा खासा क्रीमी है, बटर और गार्लिक का जो टेक्सचर है और प्रॉन्स के साथ जो ब्लेंड हो रहा है, सुपर है, सुपर। उसके बाद हम लोग को ये आइटम मिला है जो कि चिकन चीज़ रोल है, स्टफ देखो यार, अंदर ऑमलेट का भी लेयर है, चिकन स्टफ्ड है, अनियंस वगैरह, चीज, आई मस्ट से इसको मैं पैकेज बोलूँगा और ये ओवरलोडेड है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे हाथ से मैस हो रहा है इधर उधर, सबसे ज़्यादा टाइम ये आइटम को लगा बनाने में, बट उसका जो पेशेंस जो था मेरे इतने देर रुका मैं, वो वर्थ है क्योंकि ये टेस्ट में उतना बेस्ट है। लव्ड इट, लव्ड इट। लेटर ऑन वी हैव मटन कबाब, बट मटन कबाब एक मिंट का पत्ता, उसके बाद थोड़ा अनियन और चटनी, मतलब जो कॉम्बिनेशन है ये लोग का वो कुछ अलग ही है। बैंगा अच्छे से वेल कुक है, सॉफ्ट भी है मटन, और उसका फ्लेवर जो बोलते हैं ना इंडियन स्पाइसेस का, उसको टच है। सो सीख कबाब ऑल टाइम फेवरेट रहता है, और ज़्यादा बोलते हैं ना सर ड्राई, वैसा ड्राई भी नहीं है, अच्छा सा है। अभी क्या खाओ, यस मेन कोर्स बचा अपना, कैफे सफ़र का स्पेशल ग्रेवी है विथ सम रुमाली रोटी। यूजली हम लोगों को रुमाली रोटी बहुत कम मिलता है, तो रुमाली रोटी के साथ देख सकते हो आप इसके अंदर एग्स वगैरह है, तो अंडा मैं बाद में खाऊंगा, बट जो ग्रेवी का टेस्ट मुझे चाहिए चिकन के साथ, तो पहला चिकन और ग्रेवी, दैट्स इट। ये बाद में प्लेट में लेके खाऊंगा, आपके लिए खाली बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए उसके लिए। इसलिए इसको स्पेशल बोला जाता है, कैफे सफ़र का स्पेशल आइटम है। ग्रेवी का टेक्सचर अलग है,
और पहली बात तो रेड ग्रेवी नहीं है, यूजुअली मोस्टली रेस्टोरेंट्स में हम लोग को रेड ग्रेवी मिलता है, तो वो नहीं है, कलर अलग है, टेस्ट भी अलग है, मस्ट है। और खाना है तो रुमाली रोटी के साथ ही खाओ यार, बहुत क्लासी होने वाला है, मतलब आप सब खाओ बट बिरयानी को आप मिस नहीं कर सकते, और बिरयानी को मैं बिना हाथ से खाए हजम नहीं कर सकता। सो या भी मैं थोड़ा आपको हावड़ जैसा नहीं लगूँ इसलिए थोड़ा ले रहा हूँ, बट फॉर श्योर मैं ये पूरा ख़त्म करूँगा, और इसके लिए आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसा आइटम है। सो ये मोहब्बत में बिरयानी मिलती है, उसके जायके लो। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब जो साउंड आपको अगर आजू बाजू आ रहा है, क्योंकि ये फुल्ली क्राउडेड प्लेस है, इतना बड़ा है तो भी यहाँ पे कंटिन्यू फुल फुटफॉल आते रहता है, तो अगर साउंड के लिए थोड़ा इशू हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गो विद बिरयानी। सटल फ्लेवर, और जो बिरयानी का फ्लेवर रहता है बिरयानी का राइस का, उसका खुद का एक फ्लेवर रहता है, और उसके बाद जो प्रॉन्स का मसाला और प्रॉन्स का जो टेक्सचर है, लव्ड इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया फेसबुक को तो डू इट नाउ, सैम ऑन डिमांड, ताकि आपसे ऐसे फ्लेवरफुल कैफेज ऑफर्स मिस ना हो। तो अब मैं सब खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग डेजर्ट मंगाएंगे, तो मिलते हैं तब तक, स्टे ट्यून। लुक एट दिस ब्यूटी, मतलब कोई हीरोइन से कम सजाया नहीं है इसको, प्रेजेंटेशन में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सम वेफर्स, आइसक्रीम तीन कलर का है, अलग अलग फ्लेवर्स है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और अंदर इसके फ्रूट सलाद है। सो क्रीमी टेक्सचर, फ्लेवरफुल, लव्ड इट गाइस, लव्ड इट, मतलब सुपर आइटम है, क्लासी आइटम है, मस्ट है, कैफे सफर का स्पेशल डिजर्ट है। और इसके साथ हम लोग को और एक आइटम उन्होंने मंगाया यहाँ पे, गुलाब जामुन, एज यू कैन सी कितना खूबसूरत है, अलग कंफर्ट मिल है, और कंफर्ट मिल के साथ कंफर्ट डेजर्ट क्या है, तो गुलाब जामुन और कैफे सेफर का डेजर्ट स्पेशल, लाइक प्यार मोहब्बत से, जैसा हवन में आप लोग घी में हम लोग आग में घी डालते हैं वैसा ऊपर से मैंने डाल रहा, और ये इतना सॉफ्ट है, देखो मस्त हिल रहा है सब, अंदर स्पून डालने के लिए, ओ हो, प्यार हुआ हमको, प्यार हुआ डेजर्ट से, हाँ, तो गर्म है ये, इतना कड़क ठंडा आइटम कर रही है, इतना गर्म है और इतना सॉफ्ट है, मस्त है, मतलब इतना सा मेरे मुंह के अंदर फ्लेवर आया, इतना गर्म रह के, बट टेस्ट में सच्ची में जेन्युइनली गाइस इट्स सुपर्ब, फैब है, फैब, मतलब मैं रिग्रेट करता अगर मैं यहाँ पे गुलाब जामुन नहीं खाता तो, और क्या चाहिए, अगर ऐसा अच्छा डेजर्ट मिल रहा है आफ्टर मील तो आपको आना है कैफे सफर। सो मिलते हैं ऐसे कुछ नए टेस्टी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, कीप लविंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। दिस इज मी योर बॉय सैम, साइनिंग आउट।